बजट पेश होने से पहले देश भर में हलचल देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से वही खाता लेकर बजट पेश करने के लिए निकली। पिछली बार 5 जुलाई को भी वित्त मंत्री ने ब्रीफकेस की जगह वही खाता का ही इस्तेमाल किया था और इस बार भी बजट प्रपत्र को लाल कपड़े में ही बांधा गया। वहीं लोकसभा में बजट पेश होने से पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने घर में पूजा की। अनुराग ठाकुर ने अपने घर में भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि ये बजट देश के लिए और देशवासियों के लिए बेहतर हो, यही हमारा प्रयास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली आदरणीय मोदी जी की सरकार, देशवासियों के सुझाव भी आए और ये बजट देश और देशवासियों के लिए अच्छा हो, ऐसा हमारा प्रयास। इतना ही नहीं, बजट से पहले शेयर मार्केट में भी हलचल देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा लुढ़का, वहीं निफ्टी में 130 अंक की गिरावट दर्ज की गई।